माननीय प्रधानमंत्री श्री के मूल मंत्र घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरुआत कर रहा हूँ। जो लोग अन्य राज्य से आए हुए हैं और वापस अपने गांव जाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को उनके वतन तक पहुँचाने की व्यवस्था सरकार श्री द्वारा की जा रही है। इसके लिए खास ट्रेन भी चलाए जा रहे हैं और बस जैसे प्राइवेट वाहनों द्वारा भी लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन इसके लिए प्रशासन के द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई चल रही है। लोग धीरज रखें और इस प्रक्रिया में सहयोग दें। अगर इस बारे में लोग कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो सख्त में सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस नए चरण के चलते राज्य में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अधीन राज्य सरकार द्वारा एक तर्कपूर्ण नीति बनाई गई है। राज्य के जिन विस्तारों में संक्रमण ज़्यादा है उन विस्तारों को रेड जोन में शामिल करके वहाँ से संक्रमण बाहर फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रेड जोन विस्तार के अंदर भी जिन विस्तारों में संक्रमण की संख्या ज़्यादा है इन विस्तारों को कंटेनमेंट एरिया बना के ऐसे विस्तार से लोगों की कम से कम मूवमेंट हो, ये ध्यान रखते हुए बंदोबस्त रखा गया है। राज्य के सभी कंटेनमेंट एरिया के प्रवेश द्वार पर वीडियोग्राफर या सीसीटीवी के माध्यम से भी मॉनिटरिंग करने की सूचना दे दी गई है। इसके अलावे ऐसे विस्तारों में यातायात करते हुए प्रत्येक वाहन और प्रत्येक व्यक्ति को चेक किया जाएगा। राज्य के सभी कंटेनमेंट एरिया के आसपास के विस्तार में रहते हुए लोगों को भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए और लॉकडाउन का संपूर्ण पालन किया जाए ये सुनिश्चित करना चाहिए। अगर जरूरी सावधानी नहीं रखी गई और संक्रमण की संख्या बढ़ने पर नए कंटेनमेंट एरिया बनाने की परिस्थिति भी उपस्थित हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अहमदाबाद शहर के मणिनगर विस्तार को आज नया कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। इसलिए रेड जोन से आने वाले विस्तार के लोगों को अब से सतर्क रहना चाहिए और लॉकडाउन में संपूर्ण सहयोग देना चाहिए। रेड जोन के अलावे के विस्तारों में भी पूरी सख्ती बढ़ती जा रही है। इन विस्तारों में जो छूट दी गई थी उसके अलावा कोई भी सेवाएं या दुकान खुली हों ये ध्यान पे आया तो तुरंत गुनाह दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सरकार के अनुसार अब भी राज्य से सभी जगह पे पान मसाले की दुकान, स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थान बंद हैं। इसलिए ऐसे सभी स्थलों पर पुलिस द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है और कहीं कोई ऐसी जगह पाई गई तो पुलिस के द्वारा केस किया जाएगा। इसके अलावा ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंस रखने के लिए जिन शर्तों के अधीन छूट दी गई है ऐसे शर्तों का उल्लंघन होने पे भी गुनाह दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि टैक्सी में सिर्फ दो प्रवासी बैठने की छूट दी गई है, इसलिए ऐसे शर्तों का भंग ध्यान पे आया तो कार्रवाई जरूर होगी। इसलिए ऑरेंज और ग्रीन जोन विस्तारों में लोगों से फिर से अपील है कि पूरी सावधानी रखें और लॉकडाउन में दी गई छूट का दुरुपयोग न करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हुए हमले के दो और वारदातों में पासा के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें राजकोट के जसदन पुलिस स्टेशन में तारीख 29/4/2020 के दिन पुलिस पे हमले की एक शिकायत दर्ज हुई थी। इस गुनाह में शामिल एक आरोपी को कल पासा के तहत अरेस्ट करके सूरत लाजपुर मध्यस्थ जेल भेजा जा चुका है।
ऐसे ही बनासकांठा के वटगाम पुलिस स्टेशन में तारीख 29/4/2020 को के दिन आशा वर्कर महिला पर हमले की एक शिकायत दर्ज हुई थी। इस गुनाह में शामिल 7 आरोपी को कल पासा के तहत अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। लॉकडाउन के बाद ऐसी वारदातों में आज तक कुल 23 अपराधों में 54 आरोपियों के विरुद्ध पासा के तहत कार्रवाई की गई है। कल डिटेन किए गए वाहनों में राज्य में कुल 6,533 वाहन मुक्त किए गए। अब तक कुल 1,71,165 वाहन मुक्त किए गए हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। राज्य में कल ऐसे 33 गुना दाखिल हुए हैं और 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी तक ऐसे 526 गुना में 800 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जब तक लॉकडाउन अमल में है तब तक पुलिस के द्वारा निरंतर ड्रोन, सीसीटीवी और एएनपीआर के माध्यम से नज़र रखी जा रही है और जहां लॉकडाउन के उल्लंघन की घटना ध्यान पे आती है उस जगह पे कार्रवाई अवश्य होगी। राज्य में कल ड्रोन की मदद से कुल 86 गुना दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसे कुल 11,064 गुना दर्ज हुए हैं। अब तक ऐसे गुना में कुल 20,965 आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कल कुल 118 गुना दर्ज करके 133 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब तक ऐसे कुल 2,482 गुना राज्य में दर्ज हुए हैं जिनमें कुल 3,574 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवाह के 21 गुना दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसे 644 गुना में कुल 1,327 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने पर पुलिस के द्वारा 21 अकाउंट बंद किए गए हैं। अब तक कुल 596 अकाउंट पुलिस के द्वारा बंद किए गए हैं। कल एएनपीआर एनालिसिस के द्वारा 69 गुना और आज तक कुल 1,024 गुना दर्ज किए गए हैं। कल वीडियोग्राफर के द्वारा किए गए शूटिंग के आधार पे कुल 153 गुना और आज तक कुल 2,262 गुना दर्ज किए गए हैं। प्रहरी जैसे खास वाहनों पे लगे कैमरों की मदद से कुल 59 गुना और अब तक ऐसे कुल 760 गुना दर्ज किए गए हैं।